विजयादशमी के साथ ही शारदीय नवरात्र को विराम मिल चुका है। ज्यादातर जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमाओं को विसर्जित कर दिया गया है। वहीं आज पूरे दिन भी विसर्जन का यह सिलसिला चलता रहेगा। बात बालकोनगर की जाए तो यहां भी 3 दिवसीय नवरात्र आयोजन पूर्णाहुति के साथ समाप्त हो चुकी है। 2 दिन पहले बालकोनगर के सेक्टर 3 और दूसरे पंडालों में धूमधाम के साथ नवमी तिथि को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की गई। बंगाली समाज के लिए यह एक बेहद अहम दिन होता है, जब वह अपने विशेष पूजा विधि से मां की आराधना पूरे उत्साह के साथ करते हैं। इस अवसर पर समिति की तरफ से हवन के बाद भोग भंडारे का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। नवरात्रि के आखिरी दिवस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पंडाल पहुंचकर माँ भगवती का प्रसाद ग्रहण किया। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि बालकोनगर सेक्टर 3 के भव्य आयोजन की एक झलक पाने कोलकाता से कई श्रद्धालु बालको पहुंचे थे। सेक्टर 3 की समिति ने दशहरे की सुबह माता रानी की प्रतिमा का विसर्जन कर दिया। कुछ ही देर पश्चात हमारा ध्वनि और धुनु चुनित्र प्रतियोगिता का आरंभ किया जाएगा। इच्छुक प्रतियोगियों में अपना अपना नाम लिखा दे। धन्यवाद। जैसा कि महाराज द्वारा पता चलकर बताया जा रहा है, लोग यहाँ पर 3 दिन का पूजा पाठ किया जाता है। लोग थोड़े दूर दूर से यहाँ पे आके अपनी समस्या माता जी के पास आते हैं और मत्था टेक कर आशीर्वाद माता जी से लेते हैं। 3 दिन का यह कार्यक्रम चलता है, काफ़ी भक्त से इसका तैयारी करके आयोजन किया जाता है। मैं बात करूँगा यहाँ के और जो कलाकार हैं जो यहाँ पे आकर ढोलक पूजा के साथ ढोलक बजाते हैं, और आज के इनका नवमी के दिन तो कुछ अलग ही महत्व यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या नाम है? ये आप लोग ढोलक बजाते हैं, किस लिए अपने ढोलक बजाते हैं, कैसा बजाते हैं, इसका क्या दूसरे आप ढोलक बजाते हैं? हम शुरू से ही मैं संचवाकर से माँ का सेवा, हम लोग चांदा उठाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, अपना हाथ से भोग बांटते हैं, माँ देवी माँ का सेवा करते हैं पंडित जी के साथ में लगातार। कैसा लगा साल से माता जी का आपको आशीर्वाद? मेरा तो बहुत ही आशीर्वाद उन्हीं का दया से। मैं अभी बंगाल भी आपस नहीं जा रहा पा रहा हूँ। 10 साल मेरा रिटायर हो गया है, कभी भी माँ का चलते मैं यहीं पड़ा हूँ। लेकिन हमको साल में एक बार माँ का सेवा करने का मौका मिलेगा। अभी कुछ ही टाइम पे हम लोग कंपटीशन करने वाले हैं, आप लोग प्लीज आइए और स्टेज के साइड पे अपना नाम एंट्री करवाइए। अभी तक बहुत सारे एंट्रीज हो चुके हैं, आप लोग आइए और इस कंपटीशन का पार्ट। अभी कुछ ही टाइम पे हम लोग ओलुध्वनि आप सभी लोग प्लीज आइए और अपना नाम एंट्री करवाइए। बालको सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं लगभग 36 साल से बालको आया हुआ हूँ। 36 साल से इस दुर्गा पूजा का महत्व को समझता था, देखता था। आज मेरा सौभाग्य है कि इतना बड़ा आयोजन का मेरे ऊपर विश्वास करके इन लोग जनरल सेक्रेटरी बनाए हैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि जितना अच्छा से अच्छा सभी श्रद्धालुओं को व्यवस्था दे पाऊँ। माता का पूजा अर्चना, सभी लोगों का आनंद उत्सव एक नगर उत्सव की ओर में कन्वर्ट कर दिए हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग आते हैं और सभी लोग अपने उत्साह के साथ अपना धार्मिक चीज़ को अपना
जो भी है धार्मिक को बरकरार रखते हैं, साथ में भाईचारा के साथ सभी लोग यहाँ उत्सव को मेंटेन करते हैं। सर दुर्गा पूजा जो है पंडाल आप मनाया जाता है, कितने दिन पुराने से पंडाल के लिए आप योजना होती है और पंडाल को जो करा के आज इतना ज़्यादा संख्या में लोग इतना किस वक्त चला के आप ऐसा पंडाल का निर्माण यहाँ पे करवा सकते? यहाँ लगभग 7-8 हज़ार लोग सप्तमी अष्टमी नवमी के हो जाते हैं। हमारा षष्ठी के रोज यहाँ उद्घाटन होता है। मैं यहाँ का कोऑर्डिनेटर, मेरा काम यहाँ के हर चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से लोगों को अच्छे से उनका सपोर्ट करना है, उनको प्रॉपरली हर चीज़ उनको प्रसाद मिल रहा है कि नहीं, हर चीज़ प्रॉपरली उन्हें मिले, मेरा काम ये है। और जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हाँ ये यूनिटी का प्रतीक है, सिर्फ ये हमारा बंगालीज का पूजा नहीं, ये पूरे बालकों का पूजा है, सारे धर्म हम एक साथ होकर हम यहाँ पूजा याचना करते हैं। जो दशहरा का त्यौहार है वो सिर्फ आज किसी हिंदू के लिए नहीं रहा, वो एक मुसलमान के लिए भी है, एक सिख के लिए भी, एक ईसाई के लिए भी है। और साथ में ये भी है कि जब स्कूल में छुट्टियां मिलती हैं बच्चों को, वो सीधा अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आते हैं। और हम ये भी आप देख रहे होंगे, हमने बच्चों के लिए भी यहाँ पे झूले वूले लगा के रखे हैं कि बच्चे को भी प्रॉपरली एंटरटेन किया जा सके, जैसे बड़े एंटरटेन हो ही रहे हैं। लाइटिंग का हम बिलासपुर से लेके आते हैं, हमारे पुराने 3 साल से हमारे चहेते कॉन्ट्रेक्टर हैं, वो लाइटिंग का सारा काम देखते हैं। जो यहाँ पे आप इतना सुंदर लाइटिंग देख रहे हैं, पंडाल हमारा चंद्रा टेंट हाउस करता है, पिछले 10 सालों से कर रहा है, बहुत ही अच्छा कर रहा है। इस बार का भी कॉन्सेप्ट हमारा राजस्थान से है और जो कि एक मिसाल बन रहा है, और ये 49वां साल है, अगला साल 50 है, अगले साल 50वें साल में हम और भी धूमधाम से मनाएंगे। हितानंद अग्रवाल, पार्षद हूँ नगर पालिक निगम कोरबा में और केंद्रीय खाद्य मंत्रालय में सदस्य हूँ। हमारे बालको नगर में बड़े हर्षोल्लास के साथ नवरात्रि का आयोजन किया जाता है, माँ दुर्गा का को विराजित किया जाता है और सेक्टर 3 दुर्गा जो पूरे कोरबा में एक अपनी अलग पहचान यहाँ का पंडाल रखता है और विधि विधान के साथ पूरी पूजा अनुष्ठान के साथ यहाँ पे माँ को विराजित किया जाता है और धूमधाम से पूरा यहाँ पे सप्तमी अष्टमी नवमी बड़े धूमधाम से पर्व मनाया जाता है। सेक्टर 3 के समेत हमारे बालकों में सेक्टर 4 में हाउसिंग बोर्ड, मेरे वार्ड में, सामुदायिक भवन में, भद्रापारा में, अन्य स्थानों में भी यहाँ पे वृहद रूप से दुर्गा माँ की प्रतिमा विराजित की जाती है।